नमस्कार भारत 360 को आपन को स्वागत करुछि मु स्वागतिका। दिल्ली उपराज्यपाल पदरु इस्तफा देछंती अनिल बैजल। से तांकर इस्तफा पत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पाखक को पठाइ देछंती। कोन पई हठात अनिल बैजल इस्तफा देले ताहा जणा पड़ी नाही। ते व्यक्तिगत कारणरु से इस्तफा देथिबा कहछंती। नाजिब जंग दिल्ली उपराज्यपाल पदरु हटिबा परे 2016 डिसेंबर रे तांकर स्थान रे नियुक्त होइतिले अनिल बैजल। उपराज्यपाल हेबा परठारु ही विभिन्न प्रसंग रे दिल्लीर केजरीवाल सरकार को सहित तांकर टकरा टकरी चलीथिला। 1969 ब्याचर एजीएमयूटी क्याडर आईएएस अनिल बैजल 37 वर्षर प्रशासनिक सेवार थिले। पूर्वर से दिल्ली उन्नयन कर्तृपक्षर उपाध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थिबा बडे केन्द्र गृह सचिव थिले। सेहिपरि इंडियन एयरलाइंस रो परिचालना निर्देशक एवं प्रसार भारतीय सीईओ थिले अनिल बैजल। आसंता 22 तारीख रु दिल्ली हेबो गोटे महानगर निगम दिल्ली महानगर निगम बा एमसीडी भाबरे परिचित हेबो। एने केंद्र गृह मंत्रालय पक्षरु नोटिस प्रकाश पाइछि। निकटरे पार्लियामेंट रे पारित होइथिबा दिल्ली महानगर संशोधन आईन 2022 दि दक्षिण उत्तर एवं पूर्व महानगर निगम को मिसाई गोटे महानगर निगम करबाकु केंद्र सरकार निष्पत्ति नैथिले। पार्लियामेंट रे उभय गृह रे यहा पारित हेबा परे राष्ट्रपति को अनुमोदन पई पठा जाइथिला। आ राष्ट्रपति को मोहर बाजी यहा आईन ने परिणत होइथिबा बडे एबे केंद्र गृह मंत्रालय प्रकाश करैछि नोटिस। दक्षिण दिल्ली महानगर निगम कार्यकाला आज सरुवा बेले 19 तारीख में उत्तर और 22 तारीख में पूर्व दिल्ली महानगर निगम कार्यकाला सरीबो। दिल्ली महानगर निगम परवर्ती बैठक बसवा जाए केन्द्र सरकार जड़े स्वतंत्र अधिकारी निजुक्त करेंगे। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी बेले दिल्ली में गोटे महानगर निगम को तीनोटी महानगर निगम में विभक्त करु एवं संशोधित आईन में पुणि गोटे दिगला। तीनोटी जाक महानगर निगम में 272 वार्ड थी जहां नुआ आईन में 250 को कमाई दी जाए जहां स्पष्ट कर पौर निर्वाचन पूर्व दिल्लीर वार्ड गुड़िकर पुनः निर्धारण करा जिवो। हाथ छाड़िले हार्दिक कांग्रेस सह 3 वर्षर संपर्क छिन्न कले गुजरातर लोकप्रिय पटीदार नेता हार्दिक पटेल। कांग्रेस हाईकमांड सोनिया गांधी को इस्तफा पत्र देछंती हार्दिक। कांग्रेस रो एग्जिट समय से गुजरात रे दलीय नेतृत्व एवं राहुल गांधी को परे बर्षिछंती। कांग्रेस रे निजरा स्थिति को पुरुष नसबंदी सहित तुलना करबा सह राहुल गांधी को कहिछंती चिकन सैंडविच। गुजरात रे विधानसभा निर्वाचन को मास कईटा बाकी थिबा बळे हार्दिक को इस्तफा राज्य राजनीति रे हटचमट सृष्टि करिछि। हार्दिक अभियोग को खंडन करी कांग्रेस कहिछि बीजेपी रो भाषा कहउछंती हार्दिक। बीजेपी रो जवाब गांधी परिवार संपर्क रे सठिक टिप्पणी देछंती हार्दिक पटेल। मु साहसर सह कांग्रेस पार्टी रो पद ओ प्राथमिक सदस्य पदरु इस्तफा देउछि। आशा करुछि मो निष्पत्ति को समस्त साथी एवं गुजरात जनता स्वागत करिवे। मोर विश्वास ए निष्पत्ति परे भविष्यत रे मु गुजरात पई सकारात्मक कार्य करबाकु समर्थ हेबी। गुजरात कांग्रेस नेतृत्व सह रहिला नितालमेल बेस किछि दिनर तुतु मेमे परे ग्रांड ओल्ड पार्टी सह संपर्क तुटाइले पटीदार नेता हार्दिक पटेल। कांग्रेस पार्टी इस्तफा देछंती युव नेता हार्दिक पटेल। से ट्वीट करी निजर इस्तफा पत्र कांग्रेस हाईकमांड को निकट को पठाई। हार्दिक उभय गुजरात पीसीसी कार्यकारी सभापति पद एवं कांग्रेस प्राथमिक सदस्य पद छाड़ी। चलित बर्ष शेष आड़ गुजरात में विधानसभा निर्वाचन होगा बेले हार्दिक एग्जिट कांग्रेस शक्त झटका हो। दुई हजार 2019 साधारण निर्वाचन पूर्व कांग्रेस क्यांप्रे सामिल होते हार्दिक पटेल तांकु राज्य कांग्रेस कार्यकारी सभापति निजुक्ति देथिला दल। मात्र हार्दिक कहिबा कथा तांकु कौनसी गुरुदायित्व किंबा गुरुत्व दिया जाय नथिला। गुजरात कांग्रेस छामुआ नेता माने तांकु कोनोठेसा करथिबा हाईकमांड को निकटरे अभियोग करि आसुथिले हार्दिक। कांग्रेस रे निजर स्थिति को से पुरुष नसबंदी सह तुलना करथिले। राजस्थान उदयपुर रे कांग्रेस रो तीन दिनिया चिंतन शिविर रे हार्दिक को अनुपस्थिति संकेत देथिला जे कांग्रेस सह तांको संपर्क रे किछि ना किछि समस्या रहिछे। अपरपक्ष हार्दिक मे 15 तारीख रे पटीदार संप्रदायर प्रभावशाली नेता नरेश पटेल अल्पेश काथरिया दिनेश बांभानिया को भेटी निजर राजनैतिक भविष्य संपर्क रे परामर्श देथिले। चर्चा हेउछि हाथ छाड़ी पद्म पोखरी को डेईं पारती हार्दिक।
जदिओ हार्दिक ए संपर्क में कौन घोषणा करना तेज राजनैतिक महल में चर्चा जोर धरी। जिस सरकार ने भाजपा की हार्दिक पटेल के सामने केस लगाया वही सरकार केस विड्रॉ कर रही है, तो कौन सा हालत बदल गया? उस वक्त भाजपा पे अटैक करते थे हार्दिक पटेल तो केस बना, आज भाजपा से समझौता हो गया तो केस विड्रॉ हो गया। लुक, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन स्पेक्यूलेशन, बट द फैक्ट इज दैट द चार्जेस मेड इन दैट लेटर आर ऑल टू एविडेंट एंड एवरीबडी नोज इट। The Chintan Shivar was a sham exercise while it was happening. Everything that Hardik's letter reads is something we know. तबे एबे भी अस्पष्ट रहिछि हार्दिक को परवर्ती पदक्षेप। पटीदार क्रेज हार्दिक बीजेपी को जीवना, आम आदमी पार्टी किंबा आउ कोनोसी राजनीतिक संगठन ताकु नै कल्पना जल्पना जारी रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। जेलु बाहरिबे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकारी आजीवन कारादंड भोगुथुबा एजी फेरारी भेलनकु छाड़ी देबाकु निर्देश देछंती सुप्रीम कोर्ट। दीर्घ 31 वर्ष धरी से जेलले सजा काटुछंती। राजीव गांधी हत्या समय मात्र 19 वर्ष होइथिला। हत्यार मास्टरमाइंड तथा एलटीटी सदस्य शिवशरण पई फेरारी भेलन 2 9 वोल्ट बैटेरी किनिथिले। एही बैटेरी राजीव गांधी हत्या करबा पई व्यवहृत बोमारे व्यवहार करा जाइथिला। तबे 1998 रे टाडा कोर्ट मृत्यु पर्यंत दंडादेश देथिले। एहार एक वर्ष पर सुप्रीम कोर्ट टाडा कोर्ट को राय को कायम रखिथिले। यापर 2014 रे सुप्रीम कोर्ट फेरारी भेलन को आजीवन कारादंडादेश देथिले एवं चलित वर्ष मार्च मास रे तांको कोर्ट जामिन प्रदान करथिले। या पूर्व 2015 मसीह रे फेरारी भेलन तमिलनाडु राज्यपाल निकट रे संविधान धारा 161 अनुसारी क्षमा आवेदन करथिले, किंतु राज्यपाल निकट रु कोनोसी उत्तर न पाई पारु से सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। एबे कोर्ट तांको छाड़ी देबा को निर्देश देछथि। सेपटे पेरारी भैलन मुक्ति निर्देश पर सेलिब्रेशन आरंभ होइछि। तांको परिवार वर्ग बंधु बांधव खुशी रे बाण फुटाई मिठा खुआई सेलिब्रेशन करिछन्ते। ब्रह्मपुत्र नदी में आसी बड़ बन्या। नदी फुलिबा फल अधा आसाम एवं जलमग्न। बन्या पानी उबुटुबु 26 जिला 1100 अधिक गांव पानी घेर बेले प्राय 4 लक्ष लोक प्रभावित होती। वर्षा बन्या भूस्खलन जो 8 जनक जीवन जाइछि। उद्धार कार्य नियोजित होती एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस और अग्निशम बाहिनी। से कर्णाटक में ब्लैक मौसुमी प्रभाव में प्रबल वर्षा होती। बेंगालुरु सहर से सृष्टि होती बन्या स्थिति। आसामे जल प्रलय, लक्ष लक्ष लोक प्रभावित, शह शह गाँ जलबंदी। ब्रह्मपुत्र रे आसी बड़ बन्या। आसामे प्रबल वर्षा फल बड़ नदी ब्रह्मपुत्र रे आसी बन्या। ब्रह्मपुत्र रे बन्या आसीबा फळरे शाखा नदी और छोट छोट नदी फुलिबारे लागिछि। नदी रे पानी बढ़िबा फळरे गाँ गंडा सहरांचलर अनेक स्थान एबे जलबंदी। जुआडे देखिबे केवल पानी आउ पानी। लहड़ी भांगुछि बन्या जल। आसाम रे अधिकांश स्थान एबे जलमग्न होइ रहिछि। प्राय 26 जिल्ला रे बन्या पानी माड़ी जाइछि। प्रबल वर्षा बन्या ओ भूस्खलन फळरे 8 जनंकर मृत्यु होइछि। 1100 रु अधिक गाँ पानी घेररे रहिछि। प्राय 4 लक्ष लोक प्रभावित होइछन्ति। अधिक प्रभावित होता जिलागुड़िक गोहारपुर, चाचर, नगाव, गोहु, गोजाई, दिमा हसाओ, दरांग, धेमाजी, कामरूप और नलबारी। चाचर जिला बेसी प्रभावित हो 96,697 लोक प्रभावित होती। 40,000 लोक 89 रिलीफ क्यांप्रे रखा। दिमा हसाओ में 5 वर्ष मध्य सबुठ अधिक वर्षा होठार अनेक रास्ता धोई जाता बेले ब्रिज भांगी जा। बाराकभारी अंचल 150 रु अधिक गाँ प्रभावित होता बेले 50,000 रु अधिक लोक बन्या पानी रे फसी रही। प्रबल वर्षा और बन्या फल अनेक स्थान रे भूस्खलन होई जहाँ फल बहु संख्या रे घर और ब्रिज भांगी जा। प्रखर स्रोत जुआड़े देखिए केवल पानी आउ पानी। गाँ दांड और रास्तार आंठुए आंठुए पानी। बाह्य जगतर विच्छिन्न गाँ गंडा से डार सहारा नहीं कि लोके डा जरिया सुरक्षित स्थान को जाती। घरे घरे पानी माड़ी जीवारु चिंतारे पड़िछंती लोके। लोके जीवन बंचाइबा पाई घर छाड़ी चली जाउछंती। घरे बन्या पानी लहरी खेलुछी। केउठी पलंक बुड़ी गलानी तो आउ केउठी गाड़ी।
ସବୁଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସବୁଠି ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଏଠି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ ପାଣିରେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଛି ଘର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିଛନ୍ତି ବହୁ ଲୋକ। ଘରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। କେବଳ ଆସାମ ନୁହେଁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷାରେ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଲାଣି ବନ୍ୟା ପାଣି। ବେଙ୍ଗାଳୁରୁର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଣିରେ ଅଟକି ରହିଛି ବସ୍। ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଲୋକେ ହାତରେ ଛତା ଧରି ବାହାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଠା ଘରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଗୁଣ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି 12 ଶ୍ରମିକ ମୃତ। ଗୁଜରାଟର ମୋରବୀ ଜିଲ୍ଲା ହଡବଦରେ ଶୋକର ଛାୟା। ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କିଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି। 31 ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବେ ଫେରାରୀ ଭଲାନ୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଖୁସି ମନାଇଲେ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର। ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ କି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ? ଦେ ଲାନ୍ସେଟ୍ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ 2019ରେ ଯାଇଛି 90 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ। ଭାରତରେ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଇଛି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଘରୋଇ ଜନିତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 32 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଲାଗିଛି ମୋହର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟାଟା ପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 871 ଏକର ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇ ଇଡ୍କୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 62 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଡ୍କୋକୁ ଦେବେ ସରକାର। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଡେ ମେଗା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାର୍କ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଡ୍କୋକୁ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ 428 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ସମୁଦାୟ 32 କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ହେଉଛି ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକୁ ବାରଙ୍ଗ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 871 ଏକର ଜାଗା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ସେହି ଜାଗାକୁ ଇଡ୍କୋକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେନି, ଇଡ୍କୋକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମେଗା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଇଡ୍କୋକୁ 428 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍। ଜଳସେଚନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ରେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 4,198 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 256ଟି ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ଯୋଜନା। ରବି ଫସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଏବଂ ଖରିଫ ଫସଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ। 1 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେହିପରି 3 ବର୍ଷରେ 1280 ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 811 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆନିକଟ। 128 କୋଟି ବିନିମୟରେ ପାଣ୍ଡ୍ରାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆନିକଟ। ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ହେଲା ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋରୱେଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି, କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋରୱେଲ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ବୋରୱେଲ୍ ଖନନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1280 କୋଟି ନୂତନ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 811 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
मिशन शक्ति को नहीं राज्य कैबिनेट रे निया जाई छि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। मिशन शक्ति को शक्तिशाली करबा पई प्रति जिला ब्लॉक एवं पंचायत रे मिशन शक्ति गृह स्थापन करा छिबो। महिला स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा तयारी जिनिस को बिक्री पई पाखाबाकी 500 मिशन शक्ति आउटलेट खोला छिबो। स्वयं सहायक गोष्ठी को ऋण बाबद रे 50,000 कोटी टंका दिया छिबो। सुध रिहाति बाबद रे मंजूर करा जाई छि 1200 कोटी टंका। सरकार को विभिन्न विभाग सहायता रे मिशन शक्ति गोष्ठी गुडी को 6600 कोटी रु अधिक टंका रा व्यवस्था जोगाई दिया छिबो। कैबिनेट निष्पत्ति अनुसार डीआरडीओ को जिला परिषद सहित मिसाई दिया जिवो। सही परि संबलपुर सैनिक स्कूल पई जमी जोगाई दिया जिवो एवं आसंता 5 वर्ष मध्ये रे मिशन शक्ति योजना विभिन्न प्रकार कार्यक्रम हाथ को निया जिवो। एथिरे प्राय 50,000 कोटी टंका बैंक ऋण व्यवस्था करिया पई तांको सहायता करा जिवो। ता छडा स्वयं सहायक गोष्ठी मान को 1200 कोटी टंका रो सुध रिहाती दिया जिवो आसंता 5 वर्ष रे एवं सारा राज्य रे स्वयं सहायक गोष्ठी माने तांकर जो जिनस सब तयारी करछन ताको बिक्री करिया पई 500 टा मिशन शक्ति आउटलेट एवं बाजार प्रतिष्ठा करा जिवो। मृत्यु आसे एमिति सबुदिन पड़ी आज भी काम करथिले श्रमिक माने हेले हठात खसी अभुसुड़ी पड़िला मृत्युर कांथ। गुजरात मोरबी जिले में हडबद्रे घटी एभले अभावन घटना कांथ भुसुड़ी 12 जन श्रमिकों जीवन जाइए। कारखाना में प्राय 30 जन श्रमिक काम करुवा बेले कांथ हठात भुसुड़ी पड़ा। कांथ भुसुड़ी पड़ा फल कार्यरत 30 जन श्रमिकों मधु घटनास्थल में 12 जन मृत्यु होता अन्न संगे संगे उद्धार कर घटनास्थल जिलापा एसपी पहंच स्थित अनुधान करने सहित तदंत निर्देश देते विपद संकुल अवस्था किभली श्रमिक मैंने काम करुते उठी प्रश्न एभली एक दुखद घटना पर स्थानीय अंचल शोकर छाया खेली जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गभीर शोक व्यक्त करने सहित मृतकों पर लोक समबेदना जन मृतकों पर 2,00,000 टंका लेखे अनुकंपा राशि घोषणा करभरी। गुजरात सरकार मृतकों पर 4,00,000 टंका लेखाए सहायता राशि घोषणा कर